श्री राम के शरीर त्यागने के बाद क्या हुआ अयोध्या का? आखिर कैसे भगवान श्री राम की संतान यानी कि लव और कुश ने राज्य को संभाला और कैसे सूर्यवंशियों का वंश आगे बढ़ा? रावण का अंत करने के बाद जब श्री राम माता सीता को अयोध्या ले आए, माता सीता को यह पता नहीं था कि उनके लिए अभी भी परीक्षाओं का अंत नहीं हुआ है और उनके लिए दूसरी परीक्षा इंतजार कर रही है। जब श्री राम ने अपनी प्रजा के सवाल उठाने पर माता सीता को त्याग दिया, तब वह वन में श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी, जहां पर उन्होंने अपने दो पुत्र यानी कि लव और कुश को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। इतना सब होने के बाद भी यह कहा जाता है कि यह प्रभु श्री राम का माता सीता के प्रति प्रेम ही था, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और जब भी यज्ञ करते थे तो माता सीता की कमी को पूरा करने के लिए वह सोने की माता सीता की मूर्ति बनवाकर उसे अपने साथ यज्ञ पर रखते थे। सोने की मूर्ति इसीलिए रखते थे क्योंकि सोने को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो अब जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने जब राजपाट त्याग कर दिया तो अयोध्या वासियों का क्या हुआ? आखिर किसने शासन किया? भगवान श्री राम के राजपाट छोड़ने के बाद कुछ अपनी सेना के साथ अयोध्या आए और उन्होंने वहां शासन संभाला। उन्होंने कुमुद वंश से विवाह किया और आदित्य के पिता बने। आदित्य के पुत्र हुए निषाद और निषाद के पुत्र हुए नर और नर के बाद हुए नभ। इस तरह से यह वंश बढ़ते बढ़ते आ पहुंचा महाभारत काल के राजा बृहदपाल तक। इतिहास में बृहदपाल का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में किया गया है। भगवान श्री राम के ही वंशज थे। महाभारत में उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। कहते हैं कि चक्रव्यूह के बीच में बृहदपाल और अभिमन्यु के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था और अभिमन्यु के प्राण घातक बाण से बृहदपाल की मृत्यु हो गई थी। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के भी दो दो पुत्रों का वर्णन मिलता है। भरत के दो पुत्र हुए तक्षक और पुष्कल, वहीं लक्ष्मण जी के पुत्र अंगद चंद्रकेतु थे। वहीं शत्रुघ्न के पुत्र हुए सुबाहु और सूर्यसेन। कहते हैं कि मथुरा का पहला नाम सूर्यसेन ही था। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम को वनवास मिला तब भरत जी का राज्य अभिषेक होने वाला था, लेकिन भरत जी नहीं माने। उन्होंने उस वक्त कौशल राज्य में कुश को और उत्तर कौशल राज्य में लव का राज्य अभिषेक कर दिया। भगवान श्री राम के राज्य में भी उत्तर कौशल राज्य और दक्षिण कौशल राज्य विभाजित था। कालिदास की रघुवंश चरित्र के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने पुत्र लव को शरावती और कुश को कुशावली राज्य का राजा बनाया था। शरवणी की माने तो कुश का राज्य दक्षिण भारत में था और लव का राज्य उत्तर भारत का। वहीं रघुवंश चरित्र के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल पर्वत पार करना पड़ता था। इससे यह भी साबित होता है कि उनका राज्य दक्षिण कौशल में ही था। कुश की राजधानी कुशावली आज भी बिलासपुर जिले में है और कौशल को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि भी माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लौहपुरी नगरी की स्थापना की थी। लौहपुरी के बाद में वह लौहापुरी कहा जाने लगा, जो आज के वर्तमान समय में लाहौर ही है। यहाँ तक कि उनके किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ था। दक्षिण पूर्व एशियाई देश में लव स्थाई पूर्व दोनों ही उनके नाम पर रखे गए हैं, ऐसा माना जाता है। इसके बाद लव के वंशज राजस्थान चले गए थे और मेवाड़ में जाकर बस गए, जहां इन्होंने सिसोदिया वंश की स्थापना की। शायद यही वजह है कि मेवाड़ राज्य का प्रतीक भी सूर्य है।
साथ ही यह भी सुनने में आता है कि लव से ही राघव राजपूत का जन्म हुआ है, जिसमें वण गुंज दशाय और सिकुवल का वंश चला। दूसरी शाखा सिसोदिया राजवंश की थी, जिसमें गैसल और गहलोत राजवंश के राजा हुए। दूसरी ओर उन्होंने कुशावली राज्य की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में है। उसने अपना राज्य पूर्व की तरह ही फैलाया, और ऐसा भी माना जाता है कि थाईलैंड के राजा इसी वंश के थे। शायद इन्हीं कारण से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा मौजूद है। साथ ही कुश से कुशवाहा यानी कि कछवाहा राजवंश चला। इसके अलावा मौर्य सैनी और अन्य कई संप्रदायों की स्थापना कुश के वंश से हुई। वहीं जीपी मित्तल की किताब हिस्ट्री ऑफ अथॉरिटी इंडिया के अनुसार कुश की मृत्यु एक असुर की वजह से हुई थी। उसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि लव और कुश में से कुश का ही वंश आगे बढ़ा। इसी कारण से इतिहास में कुश के वंशज का वर्णन ज्यादा मिलता है। पुराणों में 30 दूसरे सूर्यवंशी राजाओं का जिक्र भी मिलता है, जिसमें से एक नाम गौतम बुद्ध का भी है। सूर्यवंश के अंतिम राजा के रूप में राजा सुमित को ही जाना जाता है, जिन्होंने नंद वंश के स्थापक पद्मनाभम को हराकर अयोध्या को कस्बे में लिया था। और यह समय 362 से 420 ईसा पूर्व तक रहा होगा। वहीं भारत की सर्वोच्च अदालत में यह भी आगे चलकर पूछा गया कि क्या राम के वंशज आज भी हैं? तब जयपुर के राज परिवार में से दिया कुमारी ने एक पत्र के जरिए कुछ सबूत पेश किए, जिनमें अयोध्या के सभी राजाओं के नाम कर्म अनुसार लिखे हुए थे, और इसमें राम के वंशज के रूप में 289 नंबर पर वंशज जयपुर के सवाई जयसिंह का नाम ही आता था, और इसी क्रम में 307 वंशज के रूप में दिया कुमारी के पिता महाराजा भवानी सिंह का नाम ही मिलता है। तो इस तरह से आज भी यह वंशावली चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। हम भगवान श्री राम के ही वंशज हैं, क्योंकि हमारा भारत अखंड भारत था। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।